राहुल, आप लोग यहाँ पे अनशन में बैठे एक दिन की क्या वजह है इसकी? आज हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल की तरफ से आज़ाद मैदान में अनशन पे बैठे हैं। एक दिन का अनशन रहेगा ये, और हम ये जो राफेल डील हो रहा है इसका हम निषेध करते हैं। और इस डील में पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री जी के जो मंत्रीगण हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, मगर राफेल डील में खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है और वो खुद भ्रष्टाचारी, इसका सबूत आया है। तो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारा प्रथम मांग ये है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को नैतिक जिम्मेदारी इस डील का लेते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी मांग और अपील हमारा ऐसा है फ्रांस के लोगों से कि आपके जो पूर्व राष्ट्रपति है फ्रांसिस्को होलैंड, वो भी भ्रष्टाचार में शामिल है। उनकी एक मित्र जूलिया गेट, इसका फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साइन करवाते हैं और दो दिन बाद रिलायंस को राफेल डील के एग्रीमेंट पे साइन होता है। तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ हम चाहते हैं कि फ्रांस की जनता सड़क पे उतरे। फ्रांस के लोगों का एक इतिहास रहा है कि हमेशा वो भ्रष्टाचार को बहुत सीरियस क्राइम मानते हैं, और मुझे विश्वास है कि आज एक दिन का उपोषण जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका मैसेज फ्रांस के जनता तक पहुँचेगी और वो अपने मौजूदा सरकार के ऊपर दबाव लगाएगी कि फ्रांसिस्को होलांडे के ऊपर कार्रवाई हो और उनको सजा हो और वो जेल में जाना चाहिए। ये प्रमुख दो मांगे हैं। बाकी हिंदुस्तान का आज बच्चा बच्चा ये जानता है कि कांग्रेस की सरकार जो एयरक्राफ्ट 500 करोड़ में ला रही थी उसको 1600 करोड़ में मोदी जी लेके आ रहे हैं। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस के समय में देश का सरकारी कंपनी जो 70 साल का अनुभव है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी कांग्रेस के समय में, और मोदी जी ने अपने मित्र अनिल अंबानी जी के कंपनी को, जिसको एक एयरक्राफ्ट बनाने का भी अनुभव नहीं है, ऐसे कंपनी को आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। मेरा ये कहना है नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से प्यार नहीं है, गुजरातियों से प्यार नहीं है, उनको सिर्फ दो उद्योगपति है गुजराती, उनसे प्यार है। उनका फायदा देश के हित में नहीं है, उनका फायदा गुजरात हित में नहीं है, ना ही गुजरातियों की तरफ है। उनका ये देखना है कि 5 साल में उनके जो दो मित्र है अंबानी और अदानी, इनको किस तरह ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और इनका जो धन है वो दिन ब दिन कैसे बढ़े। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो रंग है झंडे का वो है तिरंगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो झंडे का रंग है वो है दो रंगा। दो रंगा मतलब आप समझते हो दो मुंह वाले, जो दिन में कुछ अलग काम करते हैं रात में अलग कार्य करते हैं। मोदी जी का भी दो रूप है, वो देश के जनता को ये बताते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे पास लेगेसी नहीं है, बीवी बच्चे वाले तो मैं पैसा क्यों खाऊंगा, ऐसा एक छवि लाते हैं। और इसका दूसरा चेहरा ऐसा है कि ये जो काम करते हैं सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए करते हैं, इसलिए इस घोटाला में उनका नाम साफ तौर पे आया है। उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राजीनामा देना चाहिए प्रधानमंत्री को, और यही हमारी मांग है। इसलिए आज सेवा दल के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज हम लोग यहाँ पे आजाद मैदान मुंबई में एक दिन का अनशन पे बैठे हैं, और हमें विश्वास है अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं फ्रांस की जनता जरूर सड़क पे आएगी और फ्रांसिस्को होलांडे को जेल भेजने का काम करेगी। और इस